ये लगाए अलग से और फोन से ये कनेक्ट। चारों चक्का खुल चुका है मेरे गाड़ी का, देख सकते हो इधर। यहाँ के मैनेजर साहब आज बोल रहे हैं कि भाई वीडियो मत बनाओ। हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आपका छोटा भाई आज जा रहा है गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए, मतलब भाई घर से निकल के आ चुके हैं अपने कॉलोनी में। तो ये गाड़ी का शक्ल देख लो यार, हालत खाली देख लो भाई, क्योंकि चल चुका है 11,000 किलोमीटर। तो सर्विसिंग करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसीलिए जा रहे हैं गाड़ी को सर्विसिंग करवाने। 1,000 किलोमीटर ओवर गाड़ी चल चुका है, तो कंपनी वाले को बोले हैं, बोला चलिए आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, आदमी 2,000-3,000 किलोमीटर ज़्यादा चला के लेके आता है, तो चलिए आइए आप सर्विसिंग करवा लीजिए। तो भाई जा रहे हैं गाड़ी के सर्विसिंग करवाने और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई आप सबको पूरा अच्छे से हर एक चीज़ बारीकी में बताने वाले हैं कि कितना सर्विस में लगा, क्या क्या चीज़ पलटी हो रहा है, कितना हज़ार वाला मेरा गाड़ी का सर्विसिंग हो रहा है, तो सब कुछ आप सबको डिटेल में बताने वाले हैं। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई लाइक और घंटा प्रेस कर लेना भाई, घंटा प्रेस करोगे तभी भाई आपका नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, तब आप लोग से मुलाकात करते हैं भाई कुछ देर बाद, मतलब यार जब यहाँ से निकलेंगे तब मुलाकात करते हैं भाई, ठीक है। गाइस, घर से निकल के आ चुके हैं मेन रोड पे। पता है भाई सुबह सुबह ही आज लग चुका है जाम, मतलब अभी यार सिग्नल में खड़े हैं, ट्रैफिक सिग्नल में। और बता दे भाई, बनारस में जाम ना लगे तो भाई लगता ही नहीं कि बनारस शहर में घूम रहे हैं भाई, जरूरी है लगना जाम, तभी लगता है कि अपने बनारस में है। तो भाई एक चीज़ और आप सबको बता दें यार, पता है जब घर से निकलते हैं और सुबह सुबह मालवीय चौराहे पे पहुंचते हैं भाई ना, तो यार याद आता है मालवीय जी का, भाई सोचते हैं भाई मालवीय जी हम लोगों को और आप लोगों को पूरे भारतवर्ष को एक ऐसा यूनिवर्सिटी देके गया है जिसमें बच्चे सस्ता से सस्ता पैसा, मतलब बहुत कम से कम पैसा लगा के अपना एजुकेशन ले सकते हैं भाई। आगे निकलते हैं भाई यहाँ से, हम कंपनी वाले रोड पर जा रहे हैं, गाड़ी को सर्विसिंग करवाना है और आज आएगा मस्ती, मतलब मज़ा आएगा यार वीडियो में, क्योंकि भाई साहब आप लोग सोच लो सर्विसिंग करवाएंगे, एक एक चीज़ डिटेलिंग में बताएंगे आप लोगों को, तो इससे क्या आएगा आप लोगों को जानकारी मिलेगा। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, फिर बातें करते हैं। हे गाइस, तो बनारस का जो मेन सिटी है वहाँ से निकल के आ चुके हैं मेन हाईवे पे, मतलब ये नेशनल हाईवे नहीं है, ये है लखनऊ रोड, और हम फाइनली पहुँच भी चुके हैं महिंद्रा शोरूम। तो मेरे घर से पड़ता है 20 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलिए पहुँचते हैं और अभी गाड़ी को अंदर कर लेते हैं, पहले महिंद्रा शोरूम पहुँच गए हैं। तो भाई गाड़ी अंदर कर रहे हैं, तो भाई आ चुके हैं कंपनी के अंदर डायरेक्ट, देख सकते हो इधर। देख लो भाई कंपनी का नज़ारा ये है, अब देखो भाई ये गाड़ी खड़ा है सामने, अब हटेगी नहीं तो कैसे जाएगी। अरे भाई इसको हटाओ, भाई बता दे ऐसे ही हमेशा का आदत है इधर का यार, जब आएंगे कोई ना कोई गाड़ी इधर खड़ा रहेगा, हमें जहाँ पे सर्विस पॉइंट है वहाँ जाने में बहुत तकलीफें होती हैं, क्योंकि इधर होता है धुलाई। तो ये देख सकते हो भाई लोग धुलाई कर रहे हैं, तो ये भी गाड़ी शायद धुलाई के लिए आई हुई है, तो इसी वजह से ये गाड़ी यहाँ पे खड़ा है और हमें जाना है थोड़ा सा आगे। तो चलिए डायरेक्ट वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से बातें करते हैं। पहले ये गाड़ी को उतर के हटवाना पड़ेगा, तेल लगाना पड़ेगा, भाई साहब प्लीज़ भाई हटा लो हटा लो हटा लो, उसके बाद शायद हट जाए, तो फिर चलते हैं आगे सर्विस करवाते हैं। हे गाइस, तो आ चुके हैं कंपनी के अंदर और मेरा गाड़ी का सर्विसिंग होने जा रहा है। तो ये भाई साहब पिछली बार भी मेरा गाड़ी का सर्विसिंग किए थे और इस बार भी वही भाई साहब कर रहे हैं, देख सकते हो। तो ये देखो लगा के गाड़ी ऊपर करेंगे इसको अभी, उसके बाद चेक करेंगे चक्का अगर खुलेगा पूरा अच्छे से। तो चलिए जब तक गाड़ी ऊपर हो रहा है, उसके बाद कुछ देर बाद आप लोगों को बताएंगे भाई मेरा कौन सा सर्विसिंग ये होने वाला है और कितना पैसा लग रहा है और कौन सा सर्विसिंग में क्या क्या गाड़ी में चेंजिंग हो रहा है। तो चलिए कुछ देर बाद आप लोगों को बताते हैं, मतलब जब गाड़ी ये खोलने लेंगे चक्का कर, उसके बाद फिर आप लोगों को बताते हैं कितना कितना पैसा भी लगेगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए भाई कुछ देर बाद मुलाकात करते हैं। हे गाइस, तो फाइनली चक्का का मेरा काम हो रहा है अभी, मतलब गाड़ी खुल चुका है पूरा चक्का करा, और बताते हैं यहाँ के मैनेजर साहब आज बोल रहे हैं कि भाई वीडियो मत बनाओ, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो भाई चलिए यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तब आप सबको बताएंगे कि क्या क्या काम हुआ है मेरे गाड़ी में और क्या क्या और करवाना है, क्या क्या मैंने करवाया है काम, तो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। पहले यहाँ से निकलते हैं काम करवा के, तो अभी चक्का का काम हो रहा है फिलहाल, तो ये देख सकते हो। तो भाई चारों चक्का खुल चुका है मेरे गाड़ी का, देख सकते हो इधर।
चलिए जब यहाँ से निकलेंगे धुलाई की तरफ, मतलब जब गाड़ी को धुलाई करवाना होगा तब फिर आप लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि भाई अभी मैनेजर साहब मना कर रहे हैं, तो भाई कहीं गुस्सा उस्सा गए तो भाई कैमरा वैमरा छीन लेंगे। इतनी तो भाई हिम्मत नहीं कैमरा छीनने का भाई, वो तो बात की बात है भाई, बहुत लोग आते हैं इतना हिम्मत किसी में नहीं भाई कैमरा छीन ले आपके भाई का। बहरहाल यहाँ से जब निकलेंगे सर भी मतलब गाड़ी धुलवाएंगे उस समय बातें करते हैं आप सबसे, क्योंकि भाई कभी मना नहीं किए हैं वो वीडियो बनाने के लिए। आज शायद कुछ उनको लगा कि ऐसा भाई हम बुराई थोड़ी करते हैं महिंद्रा कंपनी का यार, बुराई तो करते नहीं है भाई, जो चीज़ रहता है डिटेल में आप सबको बताते हैं कि भाई आप लोगों को जानकारी मिले भाई, सर्विसिंग में जानकारी मिले, आप लोग कंपनी में सर्विसिंग करवाओ, हर एक चीज़ आपको सही चीज़ बताते हैं। उसके लिए भी मना कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर रिकॉर्डिंग मत करो। तो भाई चलिए जब यहाँ से निकलते तो बातें करते हैं। हे गाइस, तो चक्का का काम हो चुका है कंप्लीट, तो ये देख सकते हो पूरा चारों चक्का लग गया और गाड़ी नीचे उतर चुका है, और अभी भाई साहब डाल रहे हैं मोबिल गाड़ी में। तो चलिए अभी फिलहाल तो काम हो ही रहा है गाड़ी में, अभी बहुत सारा काम है, पीछे का भी सियाल चेंज होगा, सियाल बोलते हैं ना भैया, क्या बोलते हैं, चेंज हो गया है उसको, थोड़ा टाइट भी कर लीजिएगा, थोड़ा ढीला आ रहा था टाइट, तो थोड़ा सा वो ढीला हो गया था, उसमें से थोड़ा सियाल निकल रहा था हल्का हल्का, तो भाई को बोले कि भाई थोड़ा टाइट कर देना। तो चलिए यहाँ से भी काम करवा लिए हैं, अभी निकलेंगे धुलाई में, तो जाए धुलाई पे मिलते हैं आप लोग। हे गाइस, तो फाइनली मेरा गाड़ी हो चुका है सर्विस, तो अभी मेरे गाड़ी से नॉक्स गैस कुछ होता है, मतलब जो साइलेंसर में जम जाता है उसको धुआं बोलते हैं, कह सकते हो एक तरफ से कि खराब धुआं, तो वो मेरे साइलेंसर के अंदर जम गया था, तो भाई निकाल रहे हैं लैपटॉप से, मतलब लैपटॉप से ही हमेशा निकलता है, बट आज कुछ मिनी मशीन बता रहे हैं वो लेके आए हैं, उससे निकल रहा है। तो चलो आप लोगों को पहले दिखा देते हैं वो मिनी मशीन क्या है भाई। तो ये देख लो भाई, ये भाई साहब लगाए हुए हैं ये चीज़ जो है, ये लगाए अलग से, और फ़ोन से ये कनेक्ट है ना, फ़ोन से कनेक्ट है ना, तो ये फ़ोन से कनेक्ट किए हुए हैं, और फ़ोन से कनेक्ट करके भैया उसको चला रहे हैं, और मेरा गाड़ी अभी है स्टार्ट, और हम लगाए हुए धुलाई पॉइंट पे, देख सकते हो इधर गाड़ी को धुलाई करवाना है, और भाई साहब गाड़ी चालू करके नॉक्स गैस को निकाल रहे हैं। नॉक्स गैस निकालने से होता क्या है भाई, आपका साइलेंसर नहीं ख़राब होगा, मतलब कितना परसेंट इसको निकलवाना पड़ता है, 10, तो 10-12% जब हो जाता है उसको निकलवाना पड़ता है, ताकि ज़्यादा हो जाएगा नॉक्स गैस जम जाएगा तो साइलेंसर ख़राब हो सकता है। सोच सकते हो भाई साइलेंसर अगर ख़राब हो जाएगा तो 2 लाख का साइलेंसर आता है BS6 की गाड़ी, मिस्त्री साहब ये बता रहे हैं, भाई हमको नहीं पता, मेरा जब ख़राब होगा तब देखा जाएगा कितने का आता है, भाई हम क्लेम करेंगे इंश्योरेंस पे, तो इंश्योरेंस देगा, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा क्या पंचायत होगा आपके छोटे भाई के साथ में। बट अभी फिलहाल गाड़ी धुलवाएंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो बताते हैं आज गाड़ी में क्या क्या काम करवाए हैं, यहाँ पर हम करवाए हैं मोबिल चेंजिंग, और क्या किए हैं, मोबिल चेंजिंग और सियाल चेंजिंग, और वो नहीं चेंज किया है ना, क्या बोलते हैं उसका जो ऑयल वाला फिल्टर होता है, मोबिल फिल्टर भी चेंज हुआ है, और कूलेंट अगर तो भाई एक ही बार चेंज होता है, उसके बाद पता नहीं जब भी लोग चेंज कर दें। तो बता दे भाई टोटल मेरा समथिंग 6,000 रुपये का समथिंग आज आपके भाई का घाटा होने वाला है, मतलब 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस करवाओ, टोटल मेरा गाड़ी चल चुका है कितना चल चुका है, 76,000 ना, तो टोटल गाड़ी चल चुका है 76,000। तो आप सोच सकते हो, क्योंकि भाई लॉकडाउन में गड़बड़ हो गया था, लॉकडाउन में कोई ऐसा सीन हो गया था भाई कि कंपनी था बंद, तो भाई मेरा गाड़ी 3,000-4,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई, उसके बाद फिर हम आज इस बार 1,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला के गाड़ी को लेके आए हैं, तो इसी वजह से आगे पीछे होते रहता है, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों का भी अगर मतलब टाइम से सर्विसिंग आप लोग करवा लिया करो गाड़ी का, क्योंकि भाई देखो इसका इंजन बहुत हैवी होता है, मोबिल इसमें सही चाहिए होता है, मोबिल अगर सही नहीं रहेगा, मोबिल जला हुआ रहेगा तो आपका इंजन ख़राब हो जाएगा, तो भाई इंजन ख़राब हो जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है कि वारंटी आपको मिलेगा नहीं, कंपनी कहती है हर 10,000 पे सर्विसिंग पे आपको लेके ही आना है आपको गाड़ी को, महिंद्रा का जो भी गाड़ी है हर 10,000 पे, कोई भी गाड़ी है ना, सब गाड़ी 10,000 पे, तो महिंद्रा का कोई भी गाड़ी हो हर 10,000 किलोमीटर में सर्विसिंग होता है। और भाई साहब धुलाई कर रहे हैं गाड़ी, मेरे मुँह के ऊपर पानी छिटता आ रहा है, अभी देख सकते हो अपना गाड़ी में भी धुलाई होगा, लगाए हुए हैं। तो चलिए अभी गाड़ी को जब धुलाई कराने पे लगाएंगे, इसके ऊपर चढ़ाएंगे जैसे इस कार को चढ़ा हुआ है ऊपर, तो फिर आप लोगों से बातें करते हैं, उस टाइम आप लोग से मिलेंगे, तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। ठीक है गाइस, तो फाइनली मेरे गाड़ी का सर्विसिंग करवा के जब बाहर आ चुके हैं, अब गाड़ी फाइनली धुलवा रहे हैं। तो भाई कंपनी में काम करवाने का एक फ़ायदा रहता है कि यहाँ पे काम जो है बहुत शॉर्टिंग होता है, हम ये नहीं कह रहे भाई आप बाहर काम मत करवाओ, बाहर भी काम करवाओ, बट BS6 अगर गाड़ी है, न्यू गाड़ी आपका, तो कम से कम 1,00,000 किलोमीटर तक
कंपनी में ही सर्विस कराओ, क्योंकि भाई आपका गारंटी अगर सब कुछ सही सलामत रहेगा, ताकि भविष्य में आपके इंजन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो कंपनी समझेगा, कंपनी उस चीज़ को हैंडल करेगा, भाई मेरे यहाँ सर्विस करवाया है, टाइम टू टाइम सर्विस करवाया, उसके बावजूद भी खराब हो गया, इसका कैसे खराब हो गया। तो इसी वजह से भाई बोलते हैं कि सर्विस न्यू गाड़ी है तो भाई आप कंपनी में ही करवाओ, उसका 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर के बाद आपको जैसा लगे बाहर करवा सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 6,000-5,000 के अंदर में आपका बहुत अच्छा सर्विस हो जाता है। और भाई साहब कर रहे हैं मेरे गाड़ी का इसमें धुलाई, तो बता दें धुलाई भी हम कंपनी में ही करवाते हैं, बाहर इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि देखो इसमें एक फ़ायदा है कंपनी में धुलाई करवाने का, कंपनी में धुलाई करवाने का फ़ायदा ये है कि ये कंपनी का पानी है, कंपनी का डीजल है, कंपनी का मतलब पाइप है, सब कुछ कंपनी का है, भाई साहब को सिर्फ अपने मेहनत से धोना है, अच्छे से अच्छा धोना है। बाहर क्या है भाई, बाहर 300 रुपया भी दो उनको और मन से नहीं धोते हैं, मन से इसलिए नहीं धोते हैं भाई क्योंकि सब कुछ उनके पैसे का रहता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना भाई, क्योंकि आपका छोटा भाई आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद आप लोगों से। गाइस तो फाइनली गाड़ी धुलवा के आ चुके हैं, तो अभी हो रहा है मेरे गाड़ी में साफ सफाई, मतलब भाई लोग गाड़ी पोछ रहे हैं अच्छे से, फाइनली गाड़ी हो चुका है क्लीन, देख सकते हो भाई चमक दमक देख लो भाई गाड़ी का, ये देखो। हे गाइस फाइनली मेरा गाड़ी हो चुका है सर्विस, तो भाई सर्विस कंप्लीट करवा के घर आ चुके हैं। जिन्होंने इंस्टाग्राम पे छोटे भाई को फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा आईडी है BuddhaDev777 मेरा इंस्टा आईडी है, SMS करिए वहां पर मिलते हैं, बातें करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर ले, क्योंकि आपका छोटा भाई ऐसे आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता है। आई होप कि आप सब मिलकर इस वीडियो को एंजॉय किए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिएगा, प्लीज भाई सपोर्ट मी ऐसे ही सपोर्ट बना करके छोटे भाई पे। तो चलिए भाई मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। ऐसे ही छोटे भाई पे सपोर्ट प्यार मोहब्बत बरसाओ, ज्यादा ज्यादा बरसाओ, चाहिए ही चाहिए प्यार आप लोगों का। तो चलिए बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय।